नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। सोशल मीडिया पर 8 लोगों के एक फोटो वायरल हो रही है इन दिनों और इसमें एक पत्रकार भी है। ये सभी लोग सिर्फ अंडरवियर पहने और हाथ बांधे किसी के सामने खड़े दिखाई दे रहे हैं। इस फोटो को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह की बातें भी चल रही हैं और यह मामला विधायक पुत्र से शुरू हुआ था, फिर पुलिस पर गंभीर आरोप लगे और इसके बाद कुछ पुलिस अफसरों को सस्पेंड भी कर दिया गया। इस मामले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रिपोर्ट तलब की है। खास बात यह है कि मामले को लेकर पुलिस और पत्रकार को अलग अलग पक्ष से सामने आया है। ये वायरल फोटो मध्य प्रदेश के सीधी जिले की है। मामले को लेकर पत्रकार कनिष्क तिवारी ने एक वीडियो भी जारी किया है। उन्होंने कहा कि बीते 2 अप्रैल को एक बेहद निंदनीय घटना हुई। मैं एक धरना प्रदर्शन को कवर करने गया था, मेरे कैमरामैन ने घटना को रिकॉर्ड भी किया है। वहां सिटी कोतवाली थाने की पुलिस मुझे जबरन धक्का देकर थाने के अंदर ले गई और इस दौरान मुझे मारा भी पीटा गया, मेरे कपड़े उतरवाए गए, थाने में जुलूस निकलवाया गया। कहा गया कि अगर विधायक और पुलिस के खिलाफ खबर चलाओगे तो पूरे शहर में चड्डी पहनाकर जुलूस निकलवाऊंगा। कनिष्क ने आगे बताया कि हम पर धारा 151 शांति भंग करने की कोशिश और सार्वजनिक रास्ता अवरुद्ध करने की धाराएं लगाई गईं। हमारे साथ मारपीट भी की गई और यहां तक कि गाली गलौज भी किया गया। जब पुलिस को पता चला कि मैं पत्रकार हूं तो पुलिस मुझसे कहने लगी कि तुम विधायक के खिलाफ खबर क्यों चलाते हो, विधायक किसी के घर में बर्तन मांजने जाएगा क्या। वायरल फोटो के बारे में बताते हुए कनिष्क ने कहा कि हम लोगों को 2 अप्रैल की रात 8 बजे गिरफ्तार किया गया और 3 अप्रैल की शाम 6 बजे छोड़ा गया। लगभग 18 घंटे हम लोग हवालात में रहे। अंडरवियर में हमें थाना प्रभारी के पास ले जाया गया और इसी दौरान अमिलिया थाना प्रभारी अभिषेक सिंह परिहार ने हमारी फोटो भी खींची। ये लगभग रात 2:30 बजे की बात है। कनिष्क ने कहा कि मैं डरा हुआ हूँ और पूरा परिवार डरा हुआ है। सोशल मीडिया पर पुलिस ने फोटो वायरल किया है जिससे मेरी मानहानि हुई है, मानवाधिकार का उल्लंघन हुआ है। मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि आप मेरा साथ दें। कनिष्क ने आगे कहा, मुझे लगातार जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है। मुझे जानकारी मिली है कि पुलिस मुझे दूसरे केस में फंसाकर जेल में डालना चाहती है। उधर मामले को लेकर एडिशनल SP अंजुलता पटेल का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि एक फेक आईडी के जरिए बीजेपी विधायक केदारनाथ शुक्ला के बेटे गुरुदत्त शुक्ला को परेशान किया जा रहा था और जांच के दौरान एक रंगकर्मी नीरज कुंदेर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है और इसके बाद कई रंगकर्मी और पत्रकार कनिष्क तिवारी थाने के समक्ष धरना प्रदर्शन कर रहे थे। इसी दौरान सभी को 151 के तहत गिरफ्तार किया गया। वायरल फोटो पर अंजुलता पटेल ने कहा कि पुलिस हिरासत की एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुई है। मामला संज्ञान में लेते हुए SP CD को निर्देश में DSP हेडक्वार्टर गायत्री तिवारी को जांच के आदेश दिए गए हैं और बाद में दुर्व्यवहार के लिए जिम्मेदार थाना प्रभारी कोतवाली मनोज सोनी और अमिलिया थाना प्रभारी अभिषेक सिंह को सस्पेंड भी कर दिया गया है। परिवार को सुरक्षा प्रदान की जाए और साथ में मुझे ये पुलिस के एक सूत्र के द्वारा बताया गया है कि तुम्हारे ऊपर भी फर्जी FIR जो है लॉन्च पुलिस करने की तैयारी कर रही है, जिससे मतलब मुझे गिरफ्तार किया जा सके और ये पूरी तरह से फर्जी षड्यंत्र किया जा रहा है। उसके लिए भी आप लोगों से निवेदन है कि आवाज उठाइए, आवाज बनिए, नहीं तो कभी कोई पत्रकार सच नहीं लिख पाएगा, कभी किसी दबे कुचले की आवाज कोई नहीं उठा पाएगा। कृपया साथ दीजिए, एक बार साथ दीजिए और मेरे परिवार और मुझे सुरक्षा प्रदान की जाए और ये आप लोगों के हाथ में है। यदि आप एक बार साथ देंगे तो निश्चित तौर पर हमें और हमारे परिवार को सुरक्षा जरूर प्रदान की जाएगी। धन्यवाद। नहीं, जो बात आ रही न्यूड वाली बात आ रही, ऐसा न्यूड नहीं है, सभी लोग अंडरवियर पहने हुए हैं। हम लोग सुरक्षा की दृष्टि से उनको अंडरवियर हवालात में इसलिए रखते हैं ताकि कोई व्यक्ति ऐसी फांसी वासी न लगाए, क्योंकि कई घटनाएं घट जाती हैं, कपड़े पहन के लोग फांसी लगा लेते हैं, तो हम सुरक्षा की दृष्टि से उनको रखते हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। तो सोशल मीडिया पर 8 लोगों की एक फोटो बहुत ही तेजी से वायरल हो रही है और इसमें एक पत्रकार भी है। ये सभी लोग सिर्फ अंडरवियर पहने और हाथ बांधे किसी के सामने खड़े दिखाई दे रहे हैं। इस फोटो को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह की बातें भी चल रही हैं।
और ये मामला दरअसल विधायक पुत्र से शुरू हुआ था और फिर पुलिस पर गंभीर आरोप लगे। इसके बाद कुछ पुलिस अफसरों को सस्पेंड भी कर दिया गया है। इस मामले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रिपोर्ट भी तलब की है और खास बात यह है कि मामले को लेकर पुलिस और पत्रकार का अलग अलग पक्ष सामने आया है। ये वायरल फोटो मध्य प्रदेश के सीधी जिले की है। मामले को लेकर पत्रकार कनिक तिवारी ने एक वीडियो भी जारी किया है और उन्होंने कहा है कि बीते 2 अप्रैल को एक बेहद निंदनीय घटना हुई है। मैं एक धरना प्रदर्शन को कवर करने गया था, मेरे कैमरामैन ने घटना को रिकॉर्ड भी किया। वहां सिटी कोतवाली थाने की पुलिस मुझे जबरन धक्का देकर थाने के अंदर ले गई। और इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे, हमारे साथ कुछ मेहमान भी हैं और पीड़ित पत्रकार कनिष्क तिवारी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। और आलोक वत्स जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। आलोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आरबी उपाध्याय जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उपाध्याय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और पीड़ित पत्रकार कनिष्क तिवारी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कनिष्क, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कनिष्क, सबसे पहले आपसे ही जानना चाहेंगे कि दरअसल क्योंकि सोशल मीडिया पर ये जो फोटो वायरल हो रही है और इसके जो कमेंट आ रहे हैं इस फोटो पर, तमाम सारे लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। पुलिस की तरफ से कहना है कि आप धरना प्रदर्शन वहां कर रहे थे और जो एक फेक आईडी बनाई गई थी उसका आप समर्थन कर रहे थे, उसके मामले में आपको वहां पर ले जाया गया। दरअसल पूरा मामला क्या है, दर्शकों को पहले आप ये समझाइए। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा, ये मामला 2 अप्रैल का है और 2 अप्रैल को लगभग 6 से 7:30 बजे मेरे घर में कुछ लोग आते हैं जो नीरज कुंदेव एक कलाकार है, रंगकर्मी है, उनके घर के कुछ लोग आते हैं मेरे पास, उनके फादर आते हैं, उनके ब्रदर आते हैं और लोग आते हैं और उनके द्वारा बोला जाता है कि भैया ये बताइए, मेरे बच्चे को जो है बिना कुछ बताए हमें जेल भेज दिया गया। तो अमूमन एक पत्रकार होने के नाते, एक स्थानीय व्यक्ति होने के नाते, एक सामाजिक व्यक्ति होने के नाते मेरे नैतिक दायित्व थे कि मैं भी पूछूं कि आखिर ये पूरा मसला क्या है। तो उन्होंने कहा कि बताइए मैं क्या करूं। तो मैंने कहा ये आपका राइट है कि आप पूछ सको कि आखिर हमारे बेटे को जेल क्यों भेजा गया है। तो वो परिवार वहां गया और उस धरने को, वहां पे मैं अकेला पत्रकार मौजूद नहीं था, काफी लोग थे, 3-4 मीडिया कर्मी थे वहां पे, लगभग पांच के आसपास मैं भी मौजूद था। और लोग जब पूछने लगे तो उसमें मैंने सिर्फ उनके सवालों को SHO से पूछा है, उनसे मैंने पूछा कि ये बताइए कि इनका परिवार वालों को, और सवाल पूछना तो हमारा अधिकार है ना सर। तो मैंने उनके सवाल को, पीड़ित परिजनों के सवाल को, पुलिस के जो अधिकारी थे वहां पे SHO, उनसे मैंने पूछा कि सर ये बताइए कि किस अपराध में आपने नीरज कुंदेल रंगकर्मी को, जो कि कोई हिस्ट्री सीटर नहीं है, उसके खिलाफ कभी भी कोई अपराध पंजीबद्ध नहीं है, तो क्यों, किस हिसाब से आपने उसको जेल भेज दिया। तो उनका कहना था कि इनको परिवार वालों को बोल दो कि RTI लगा दे तो उनको वो सारी जानकारियां दे दी जाएंगी और यहाँ नेतागिरी ना करवाओ। तो हमने कहा कि सर मैं तो नेतागिरी के सवाल ही नहीं उठता, आप इसमें जो बयान दोगे मैं वही बयान छापूंगा, मैं वही चलाऊंगा। अब हालांकि एक स्थानीय व्यक्ति होने के नाते मुझे भी लगा कि इनको इनका जायज सवाल है, इनको पता होना चाहिए कि इनके लड़के के द्वारा क्या अपराध किया गया और कौन सा इतना बड़ा अपराध किया गया कि उसको जेल भेजा गया। तो उतने में ही एक विधायक के भतीजे का फोन आता है जो नगर मंडल अध्यक्ष भाजपा सीधी है, धर्मेंद्र शुक्ला, कि मैं वहां पे वीडियो भी, वो मेरे पास मौजूद है, जिसमें मैंने बोला है कि ये विधायक के भतीजे का फोन आया धर्मेंद्र शुक्ला का, और विद इन 5 मिनट बाद वहां पे सर हालात बेकाबू हो जाते हैं। वहां पे पुलिस डंडे लेके आती है सबको, जो कि सड़क, कहीं भी सड़क अवरुद्ध नहीं है, वो सारी चीजें चीख चीख के बोल रहे हैं सर, आपने भी वीडियो देखे होंगे कि कहीं भी सड़क के एक हिस्से को भी उन लोगों ने नहीं छुआ था, बल्कि पुलिस सड़क पे खड़ा होकर, पुलिस खुद अवरुद्ध कर रही थी सड़क। अच्छा, एक चीज और यहाँ पर बताई गई है कि ये जो फेक आईडी के जरिए गुरुदत्त शुक्ला, जो कि विधायक के पुत्र बताए जा रहे हैं, उनके खिलाफ तमाम सारी आपत्तिजनक पोस्टें डाली जा रही थी, उसके खिलाफ वो कार्रवाई कर रहे थे। नहीं तो सर, कार्यवाही तो उसमें तो जेल भेज दिया गया, कार्यवाही तो हुई नहीं कुछ। उसमें तो जो जिसके विक्टिम को पकड़ा गया और उसको ये तक नहीं बताया गया कि तुम्हारे खिलाफ क्या क्या सबूत है, उसको सीधे जेल भेज दिया गया। 3 घंटे में सर, एक व्यक्ति जो केवल
उसको ये कह के कि तुम्हारे ऊपर ये आरोप है कि तुम ये फर्जी आईडी चला रहे हो, और उसे गिरफ्तार करके उसको 3 घंटे के अंदर जेल भेज दिया जाता है ना। तो मैं तो ये कह रहा हूँ ना सर कि ये तो पूछना तो उनका भी हक था, और ठीक है मैं तो इसका समर्थन कतई नहीं करता हूँ। यदि ऐसा किया जा रहा था तो बकायदा उस व्यक्ति को कानूनन तौर पर सजा होनी चाहिए, और सजा ऐसी हो कि कोई ऐसा किसी को प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने का काम ना करे। ठीक है आलोक जी, देखिए ये जो कार्रवाई की गई, हमारे साथ जो पीड़ित पत्रकार हैं कनिष्क तिवारी, वो भी ये बात को कह रहे हैं कि अगर उसने गलत किया था, किसी व्यक्ति ने फेक आईडी के जरिए किसी के भी खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट कर रहा था, गलत बयानबाजी कर रहा था, तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इनका जो धर्म बनता था, क्योंकि ये क्षेत्र के भी थे और वैसे में पत्रकार हैं तो इनका कार्य भी है, तो अगर ये थाने पहुँचते हैं और वहाँ से पुलिस प्रशासन से पूछते हैं कि किस धारा में, किस तहत, किस अपराध के दोष में इन लोगों को अंदर किया गया है, तो क्या पत्रकार को भी पुलिस हिरासत में ले लेगी? देखिए योगेश जी, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को अगर किसी ने हिलाने की कोशिश की है, प्रसारित करने की कोशिश की है, दुर्व्यवहार करने की कोशिश की है, तो चाहे वो कोई हो, मैं उसका समर्थन नहीं करता हूँ। मेरी सारी भावनाएं कनिष्क तिवारी जी के साथ है। अगर ये जीवित रहेंगे, ये स्वतंत्र रहेंगे, ये निर्भीक रहेंगे, तो भारतीय लोकतंत्र भी निर्भीक रहेगा। ये तो एकमात्र सिंबल है एक पत्रकार के रूप में। ये संदेश मैं पूरे भारत के पत्रकारों के लिए दे रहा हूँ। कतई बर्दाश्त नहीं है, किसी भी कीमत पर नहीं है बर्दाश्त। जो भी दोषी है, दे शुड बी ब्रॉट टू बुक एंड बुक्ड अंडर हैवी पेनल्टी और हैवी पनिशमेंट। मैं इसके साथ नहीं हूँ, कतई नहीं है। और अगर कोई फेक आईडी से इस तरीके का काम कर रहा है, उसके साथ भी उतनी ही सख्ती से व्यवहार होना चाहिए कि वो दोबारा कोई आदमी इसको करने से पहले 10 बार सोचे। आलोक जी, जहां जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां पर पत्रकारों के साथ ये दुर्व्यवहार का मामला सामने आता है। देखिए उत्तर प्रदेश में, देखिए बलिया में किस तरीके से पत्रकार को प्रताड़ित किया गया। उसने क्या, उसका क्या दोष था? उसने जो एग्जाम हो रहे थे, सोचिए कि एसपी को वो जानकारी दे रहा है कि एग्जाम के पेपर लीक हो रहे हैं, और उसके बाद डीएम को जानकारी दी जा रही है, पेपर मंगाया जाता है, पत्रकार बाकायदे उस लीक हुए पेपर को भेजता भी है, संस्कृत के पेपर को, और वो एग्जाम हो जाता है, अगले दिन फिर एक पेपर लीक होता है, उसकी भी वो जानकारी देता है पत्रकार, और उसके बाद क्या होता है, उस पत्रकार को ही हिरासत में ले लिया जाता है। और आकार पटेल का जिक्र कर लीजिए, वरिष्ठ पत्रकार है, लेखक भी हैं, विदेश जाने से रोक दिया गया उनको, जबकि हाईकोर्ट के उनके पास आदेश है विदेश जाने के लिए। ये मतलब हो क्या रहा है? अगर आप इस बात को कह रहे हैं कि पत्रकारों के साथ ये जो दुर्व्यवहार हो रहा है, ये गलत हो रहा है, कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे अधिकारियों के ऊपर, तो सरकार जागने का काम क्यों नहीं कर रही है भाई? ये इनके जो हौसले बुलंद हैं इतने ज्यादा अधिकारियों के, इन अधिकारियों पर कोई ऐसी कार्रवाई क्यों नहीं की जाती कि एक नाजीर बने कि अगर चौथे स्तंभ को आप छूने की कोशिश करेंगे तो जल जाएंगे? देखिए योगेश भाई, मैं इस बात की संज्ञान ले रहा हूं, और मैं यूपी में जो ये मसला बलिया का बता रहे हैं, इस पर मैं संजीदगी से बात करूंगा, और अगर पुलिस ने किसी तरीके की बर्बरता दिखाई है उसको बख्शा नहीं जाएगा। और आपने कहा कि यूपी, पूरे भारत में भाजपा शासित में ही, देखिए भाजपा ज्यादातर राज्यों में भाजपा की सरकार आ चुकी है, तो अगर कोई घटना घटती है तो उसमें भाजपा, लेकिन भाजपा कतई इन चीजों का सपोर्ट नहीं करती है, और भाजपा कभी इस तरीके का काम कराने का काम में सहयोग देने का भी काम नहीं करेगी, ये आप निश्चिंत रहें। मैंने आपको कहा ना, मैं भी एक भारतीय जनता पार्टी का ही छोटा अदना सिपाही हूँ, मैं तो कनिष्क तिवारी जी के साथ खड़ा हूँ। मैं तो नहीं कह रहा हूँ कि वहाँ का प्रशासन ने जो किया ठीक किया, ये तो पूरी देश सुन रही है, पूरी दुनिया सुन रही है कि एक भाजपा का सिपाही उनके साथ नहीं खड़ा है, इन मसलों पे संज्ञान में तो लेना ही पड़ेगा। और पुलिस, आपको भी पता है कि पुलिस यहाँ की पुलिस को भी पुलिसिंग चाहिए, अगर इस बात से आप समझ जाए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। पुलिस भी बहुत गड़बड़ हो चुकी है, बहुत दिनों से गड़बड़ है ही। हाँ, तो ये सरकारों का दायित्व तो बनता है ना आलोक जी, ये सरकारें देखेंगे। देखिए जिस तरीके से मैंने कहा आलोक जी कि राणा अयूब जी का देख लीजिए, उनका जिक्र मैंने किया
कि वो भी अभी विदेश जाना जाने से उनको भी रोक दिया गया, तो ये केंद्र की सरकार को भी इस पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है संज्ञान लेना चाहिए। आएंगे चर्चा को आगे बढ़ाएंगे आलोक जी, फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और हमारे साथ सभी मेहमान लगातार बने हुए हैं और सीधा रुख करेंगे आरबी उपाध्याय जी का। उपाध्याय जी, ये जो स्थितियां परिस्थितियां बन रही हैं लगातार अलग अलग जगह से अलग अलग प्रदेशों से जो खबरें सामने आ रही हैं, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं कि चौथे स्तंभ पर किस तरीके से कुठाराघात करने का काम किया जा रहा है, हमने आकार पटेल का जिक्र किया जिनके पास हाईकोर्ट के भी आदेश हैं कि इन्हें विदेश जाने से नहीं रोका जा सकता, सरकार इन्हें जाने नहीं दी। हमने लेखिका और वरिष्ठ पत्रकार अयूब जी का जिक्र किया, इनको भी विदेश जाने नहीं दिया जा रहा। बलिया का हमने जिक्र किया, अब हमारे साथ कनिष्क तिवारी खुद जो कि एक पीड़ित पत्रकार हैं, किस तरीके से वो बता रहे हैं कि वो जब गए वहां पर तो पुलिस उनके साथ किस तरीके का सलूक कर रही थी, क्या दुर्व्यवहार कर रही थी। और ये दरअसल केवल मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश या किसी और राज्य का मामला नहीं है, हर राज्य में आप जिले में चले जाइए पुलिस प्रशासन के इतने ज्यादा मन बढ़े हुए हैं कि ये आपसे कायदे से बात तक नहीं करेंगे, और पत्रकार होने के नाते यदि आप इनसे कोई सवाल पूछ लेते हैं तो सीधे आप पर मुकदमा दर्ज कर देंगे। भाई किस ओर जा रहा है देश का लोकतंत्र? देखिए, लोकतंत्र कमजोर होता है और ये घटनाएं या पिछली विगत की घटनाएं जितनी निंदा की जाए, जितने कठोर शब्दों में निंदा की जाए, शब्द कम पड़ जाएंगे। प्रताड़ित पत्रकारी क्यों होता है? क्योंकि वो प्रश्न उठाता है, कमियों को उजागर करता है और भ्रष्टाचार के पथ में रोड़ा बनता है, सच्चाई को सामने लाने की कोशिश करता है, जबकि सच्चाई कोई रूबरू नहीं होना चाहता। पत्रकार का अपना कोई स्वार्थ नहीं होता, जनता की जो समस्याएं हैं उनको सरकार के सामने लाने की कोशिश करता है, उनको उठाने की कोशिश, और प्रश्न खड़े जो नागवार गुजरता है शासन प्रशासन से। सरकार किसी की भी हो, कहीं की भी हो, सबका रवैया एक जैसा होता है कि मेरे से प्रश्न क्यों पूछा, आप कौन होते हैं मेरे से प्रश्न पूछने, मैं जो भी गलत कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ और मैं जो कर रहा हूँ वही सही है, क्या सरासर गलत हो? दूसरा, मैं समझता हूँ कार्रवाई नहीं होती है, तो शासन प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा? और जहाँ भ्रष्टाचार, देखिए राजनीति का अपराधीकरण हुआ है, राजनीति में अपराधी किस्म के लोग आए हैं, मैं नहीं कहता हूँ, इलेक्शन कमीशन के आंकड़े उठा के देख लीजिए, और राजनीति का व्यवसायीकरण हुआ है। और जब व्यवसायीकरण होगा, से पैसा कमाएगी पुलिस और कमा के ऊपर तक देगी, ऊपर वाला भी नीचे वाले पे एक्शन नहीं लेगा, क्यों हमाम में सभी एक जैसे, तो फिर प्रश्न खड़ा होता है यहीं से, और यहीं से पत्रकार की दुश्मनी शुरू होती है। अगर कोई गलत काम कर रहा है, मान लीजिए ब्लैकमेलिंग कर रहा है, अवैध उगाही कर रहा है, कुछ गलत कर रहा है, उसके खिलाफ आप एक्शन लें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हर पत्रकार, चाहे वो युद्ध के क्षेत्र में है, चाहे वो समाज के क्षेत्र में है, काम करना दूभर होता चला जा रहा है, जान के दुश्मन बन गए हैं सब उसके, देखा नहीं पत्रकारों की हत्या कर दी जाती है, कुचल दिया जाता है, गोली मार दी जाती है, जेल में डाल दिया जाता है, किसके लिए? जिस जनता के लिए आवाज उठाता है वो जनता का भी कर्तव्य बनता है, वो ऐसे पत्रकारों के साथ खड़ी हो, कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो, अदरवाइज पत्रकार की कलम बहुत ज्यादा दिन तक स्वतंत्र नहीं रहेगी, और पत्रकार की खबर, अगर ये खबर नहीं चलेगी, पत्रकार की कलम स्वतंत्र नहीं रहेगी। एक चीज मैंने और कही कि ये जो अधिकारियों पर ये जो गलत कार्रवाई करते हैं इनको सस्पेंड किया जा रहा है, हम कह रहे हैं इनको डिसमिस क्यों नहीं कर दिया जाता? भाई एक नाजीर बने कि जो भी
ये चौथे स्तंभ को छूने की कोशिश करेगा वो जल जाएगा। देखिए अगर इस तरह की कार्रवाई हो योगेश, कोई पुलिस वाला हिम्मत नहीं कर सकता कि पत्रकार के खिलाफ उंगली भी उठा दे। ये तो विभीषण है कि नंगा करके खड़ा कर रहे हैं, आप उसको अवैध रूप से देखिए कितनी विडंबना, देश का दुर्भाग्य है ये कि उसकी फोटो खींच करके वायरल की जा रही है, सोशल मीडिया पर डाली जा रही है। मैंने कहा नहीं योगेश, सैया भाई कोतवाल जब कानून आपके हाथ में तो कानून का आप अपना रखेल समझते हैं। और एक सार्वजनिक मंच से महाराष्ट्र में कहा गया, नेताजी ने कहा कि कानून हमारे लिए नहीं होता, संविधान हमारे लिए नहीं होता, कुछ नहीं कर सकता हमारा, कुछ नहीं बिगाड़ सकता हमारा। सार्वजनिक मंच से जब नेता कहेगा, देखिए पुलिस प्रशासन नेता के अंडर में काम करता है, चाहे नेताजी का फोन आ जाए, नेताजी के भतीजे का फोन आ जाए, तो फिर उसकी नौकरी खतरे में होती है। इसलिए वो भैंस ढूंढने भी चली जाती है, वो भैंस की FIR भी लिखती है और भैंस को सिक्योरिटी भी देती है। जनता बाहर में गई, जनता से कोई लेना देना नहीं। तो ये विडंबना है इस देश की। सरकारों को अगर सख्ती से पेश आएंगी सरकारें तो इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी। लीपापोती की जाती है, आज सस्पेंड कर दिया कल वापस ले लिया जाएगा, पिछले रास्ते से पता भी नहीं लगेगा। हम लोग इस पर कोई बहस भी नहीं करेंगे, पता ही नहीं चलेगा कब उनकी कहां तैनाती कर दी जाएगा। आलोक जी दुश्मनी होती है। ठीक है आलोक जी, आप ये ठीक है, इस जो कुकृत्य हुआ है, ये कहेंगे कुकृत्य कहेंगे इसको, क्योंकि जिस तरीके से जो घटना आई है बहुत निंदनीय, जितनी निंदा की जाए उतनी ही कम है। इस तरीके के फोटो खींच करके उसके बाद उसको वायरल की जा रही है, क्या मानसिक स्थिति होगी उस परिवार की और उस व्यक्ति की जिसकी ऐसी फोटो वायरल की जा रही है। आप सोचिए, आप कह रहे हैं कि आप इसका विरोध कर रहे हैं, देखिए यहां पर बैठ करके आप विरोध कर रहे हैं, ठीक बात। अगर आप विपक्ष में होते, एक सेकंड के लिए मान लीजिए, तो आप क्या केवल यहीं पर विरोध जता करके चले जाते? मुझे लगता है कि आप एक मोर्चा खोल देते कि इन अधिकारियों पर कार्रवाई ऐसी हो कि नाजीर बने। हमने कई बार कहा इस बात को लेकर के, तो आप लोग ऐसी सरकार आपकी है, क्यों नहीं ऐसा एक मोर्चा खोल देते हैं आप लोग? आप खुद वहां उस सिपाही हैं, सेनापति को सुनना पड़ेगा भाई आपकी बातों को। ये जी आपको देखिए, मैं मध्य प्रदेश की बात नहीं कर रहा, मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर इस तरीके की कार्रवाई चालू हो गई है। सबको सम्मिलित करके, समाहित करके बात कर रहा हूँ मैं, सभी चीजों की बात कर रहा हूँ। जब मुझे, जब जो थोड़ा मुझे बोल लेने दीजिए प्लीज। गाजियाबाद के SSP को, उसके बाद सर गाजियाबाद के SSP को पत्रकार के साथ दुर्व्यवहार के मामले में, नहीं पत्रकार के साथ नहीं, हम पत्रकार की बात कर रहे हैं। पत्रकार के खिलाफ कोई जो काम कर रहा है, आपका एक्शन लिया जाता है, वो आपका इंटरनल मामला होगा, वो लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभालना होगा, वो किसी आदेश की पालना नहीं कर रहा होगा, वो किसी आदेश की अवहेलना कर रहा होगा। अब बलिया में जो हुआ है पत्रकार के साथ, जो पेपर लीक का मामला को कर रहे थे, आप निश्चित तौर पर जानिए कि आज या कल में उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो जाएगी। ऑलरेडी इस मामला को हमने संज्ञान में ले लिया और मैंने वहां तक इस खबर को पहुंचा भी दिया है। लेकिन मध्य प्रदेश में जो हुआ, अभी उसकी तहकीकात करनी बाकी है। और अगर मैंने कहा ना, जो प्राइमर फेसाई मैंने चीजों को देखी है, उसमें मैं कनिष्क तिवारी जी के साथ खड़ा हूँ। लेकिन मामले की गहराई में जाकर, ठीक कहा आपने कि मात्र निलंबन से ऐसा दंड से नहीं काम चलेगा। अगर उनके ऊपर ये अपराध सिद्ध हो जाता है तो दे शुड बी सैक्ड फ्रॉम द जॉब, उनको निलंबित नहीं, उनको सदा के लिए खत्म कर देना चाहिए, बिल्कुल डिसमिस कर दिया जाएगा, टर्मिनेट कर दिया जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार कुछ ऐसा ही कदम उठाएगी। आलोक जी, फिलहाल आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से पत्रकारों पर ये कुठाराघात किया जाने का काम किया जा रहा है, वो चाहे मध्य प्रदेश का जिक्र करे, चाहे उत्तर प्रदेश का जिक्र करे या अन्य राज्यों का जिक्र करे, मुझे लगता है कि सरकार को इन अधिकारियों पर अंकुश लगाने की जरूरत है और कहीं ना कहीं पत्रकार संगठनों को भी एक होने की जरूरत है। क्योंकि अगर ऐसे ही हालात बनते रहे तो लोकतंत्र की स्थिति कहां जा रही है, ये हम और आपको सभी को सोचना पड़ेगा। इस मुद्दे पर आम जनता को भी जागने की जरूरत है। इस चर्चा में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए AR News के साथ। नमस्कार।